मेरे पास है दुनिया का सबसे सस्ता पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला फोन #popup बेटा तेरे जैसे बहुत कम बहुत कम जो भी देखे बोले ऑसम ऑसम कुछ दिनों से बादल नहीं देखे तो फिर से ले आया रागा पॉप कम ऑसम तो गाइस ये है मेरे पास इन्फिनिक्स S5 प्रो पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ और और भी है बहुत कुछ इन्फिनिक्स S5 Pro में आप लोगों को बताने के लिए बट मैं यार अब वेट नहीं कर सकती इस फोन को अनबॉक्स करने के लिए तो चलिए जल्दी से करते हैं इन्फिनिक्स एस फाइव प्रो का अनबॉक्सिंग मेरा नाम है मोनिका आप देख रहे हैं एम के टेक्निकल यूट्यूब चैनल लेट्स गेट यह है Infinix S5 Pro का बॉक्स बात है अगर बॉक्स कंटेंट की तो डेफिनेटली यार फ्रंट में ही लिखा है कि पॉपअप कैमरा के साथ आ रहा है और ये फोन मुझे मिला है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ बात अगर कलर की तो वायलेट कलर में ये फोन मेरे पास आया है और अब अगर बात है बैक कंटेंट्स की तो वैसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है बट मेन चीज यह है कि यह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और अब मेन बात है प्राइस पॉइंट की तो तो पॉइंट यहाँ पे हमें सुनने को मिल रही है एक्चुअली जो एग्जैक्ट प्राइस आएगा लॉन्च के बाद वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी ये वीडियो में शूट कर रही हूँ लॉन्च के पहले इसलिए अभी प्राइस का कंफर्मेशन नहीं है तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं वेट भी नहीं करते हैं जल्दी से बॉक्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं तो फोन को देखने से ओ, सबसे पहले मुझे दिखा है यहां पे हमारा मेन हीरो हमारा इन्फिनिक्स S5 Pro बट उसे रखेंगे हम साइड में पहले हम बात करेंगे कि और क्या कंटेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले डेफिनेटली यहाँ पे इन्फिनेक्स की ब्रांड का चार्जर आपको देखने को मिल रहा है जो कि व्हाइट कलर में आपको देखने को मिल रहा है नॉर्मल सा चार्जर है नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो केबल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है देख लेते हैं वैसे केबल मुझे लग रहा है कि माइक्रो यूजबी पोर्ट ही होने वाला है और हाँ डेफिनेटली ये जो केबल है आपको माइक्रो एसबी पिन की केबल देखने को मिलने वाली है नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे मिल रहे हैं आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल रहा है नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपको वारंटी कार्ड्स वगैरह कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने को मिल रहे हैं इनको साइड में रख देते हैं अब और यहाँ पे है इन्फिनिक्स मैनुअल है आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे आया है हमारे पास केस डेफिनेटली केस तो हमें चाहिए ही होता है वाइट कलर का केस है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट केस आपको देखने को मिल रहा है अच्छे खासे कटआउट है बात है अगर क्वालिटी की तो क्वालिटी तो यार अच्छी लग रही है और लास्ट अगर कंटेंट की बात करें तो जो इन्फिनिक्स हमेशा ध्यान रखती है अपने कस्टमर्स का कि आपको जाके बाय करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिलता है चलिए काम करते हैं इन सब चीजों को यार हटा देते हैं साइड में हमारा मेन हीरो तो है हमारा फोन जिसके बारे में हम बात करेंगे जल्दी से इन चीजों को कर देती हूँ मैं साइड में और चलिए अब हम चलते हैं हमारे मेन फोन की तरफ लेबलिंग वगैरह यहाँ पे है काम करते हैं पहले लेबल हटा लेते हैं ताकि एग्जैक्टली exactly फोन कैसा है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिले चलेंगे अगर oh यहाँ पे दिखाई दे रहा है में, हूं। यार, बहुत प्यारा दिख रहा है ग्लॉसी फिनिश है एकदम कोई टेंशन नहीं है इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है रियर माउंटेड यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिख रहा है साथ ही साथ यहाँ पे आपको तीन तीन कैमरा देखने को मिल रहे हैं और जो है इस पर कैमरा प्लेसमेंट भी पे कुछ डिफरेंट है और चलिए साथ ही साथ एक खास बात भी अगर आपको बता दू तो ये जो प्राइमरी सेंसर है वो है वो आपके पास 48 मेगापिक्सल का चलेंगे फ्रंट साइड पे डिस्प्ले भी कमाल का है लेकिन ऑन होने के बाद और भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा चले अब अगर राइट साइड में तो राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा है वॉल्यूम रॉकर बटन साथ ही साथ पावर ऑफ और ऑन का बटन चलेगा डाउन साइड पे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पीकर यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है और है माइक चलेंगे अब लेफ्ट साइड की तरफ तो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे सिम ट्रे देखने को मिल जाएगी और अब चलेंगे अब चलेंगे साइड पे सबसे खास चीज आपको देखने को मिलेगी जो है इसका पॉपअप आउट चलिए अभी काम करते हैं जो यहाँ पे हमें सिम ट्रे देखने को मिल रही है एक काम करती हूँ ओपन करके देखते हैं कि इसमें आपको डेडिकेटेड देखने को मिलता है हाइब्रिड देखने को मिलता है क्या आ रहा है सिम ट्रे के अंदर तो चलिए ओहो थोड़ी सी टाइट है यहाँ पे सिम ट्रे ओ, डेफिनेटली जैसा कि से हमेशा के लिए एक्सपेक्टेड है एक यहाँ डेडिकेटेड माइक्रो एस कार्ड का बटन आपको दिख रहा है और डुअल सिम स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है चलिए भाई काम करते हैं इसको डालती हूँ मैं अंदर और अब हम करेंगे मेन चीज अब हम करेंगे हमारे फोन को स्टार्ट और जब तक फोन स्टार्ट होगा मैं आपको बताती हूँ फोन में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे

प्रोसेसर को अपग्रेड किया गया है P35 पे अभी जो मेरे पास फोन है, इसमें है 4GB RAM, 64GB स्टोरेज, की सिक्स पॉइंट जीरो के साथ आपको देखने को मिलेगी तो फोन हो गया मेरा स्टार्ट सारे सेटअप मैंने यहाँ पे कर लिए हैं और अब हम चलेंगे डायरेक्टली सिक्योरिटी फीचर्स की तरफ क्योंकि S5 Pro में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों ही देखने को मिलते हैं तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं कि कितने फास्ट पे वर्क करते हैं और फर्स्ट में यहाँ पे टेस्ट करूंगी इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को तो चलिए अभी जैसे कि आपने देखा कि फोन है मेरा लॉक तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टच किया और ये हो गया अनलॉक एक दो बार और ट्राई यहाँ पे कर लेते हैं लॉक और ये अनलॉक लॉक और अनलॉक ठीक है फिंगरप्रिंट सेंसर तो यार काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है बट मैं यहाँ अनलॉक के लिए क्योंकि वो अनलॉक होगा पॉपअप कैमरा के साथ तो चलिए अब हम चेक करेंगे फेस अनलॉक को तो अभी जैसे कि मेरा फोन जो है वो अनलॉक है ये पॉपअप आया बाहर और जैसे ही मैंने देखा और फोन हो गया है अनलॉक एक बार फिर से यहाँ पर ट्राई करेंगे फोन है मेरा लॉक यहाँ पे पॉपअप आया बाहर और जैसे ही मैंने देखा फोन हो गया अनलॉक सीरियसली इतना फास्ट की तो मुझे सच में यहाँ पे उम्मीद नहीं थी कि फेस अनलॉक इसका इतनी अच्छी तरीके से काम करेगा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिंगरप्रिंट सेंसर से भी ज्यादा फेस अनलॉक यहाँ पे और भी अच्छे से काम कर रहा है अब लग रहा है कि इस पॉपअप को देख के मैं बार बार यहाँ पे मेरा फेस अनलॉक ही यूज करने वाली हूँ अब अगर बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की तो यार डिस्प्ले काफी ज्यादा कमाल का है और वो क्यों है क्योंकि इस फोन में आपको एक फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता है कोई पंच होल नहीं है कोई वाटर ड्रॉप नॉच नहीं है इसकी वजह से डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो और भी हो गई है कमाल की और एक और खास बात जो मुझे इस फोन में लगी है वो ये है कि इस फोन में आपको एफ एच डी प्लस देखने को मिल रही है मतलब कि कोई लो डेंसिटी का आपको इश्यू यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा साथ ही साथ ये आ रहा है यहाँ पे एक्सो एस की सिक्स पॉइंट जीरो के साथ तो बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन कोई टेंशन नहीं है अगर कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए तो आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं चलेंगे इसके मेन फीचर यानी कि के इसके कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ तो फोन में आपको देखने को मिल रहा है ट्रिपल कैमरा सेटअप और प्राइमरी है उसमें 48 मेगापिक्सल का साथ ही साथ फ्रंट में जो ये पॉपअप सेल्फी कैमरा आया है ये आया है 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ तो यार वेट तो कर नहीं सकते अब जल्दी से एक सेल्फी क्लिक करके देख लेते हैं कि किस तरीके के फोटोज आ रहे हैं इसके पॉपअप कैमरा से तो चलिए एक काम करते हैं एक अच्छी सी से सेल्फी यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके का फोटो यहाँ पे मुझे मिल रहा है फोटो तो यार काफी अच्छा देखने को मिल रहा है कलर्स वगैरह काफी अच्छे को को मिल रहे हैं अगर मैं आप आप लोगों दिखाऊं तो शायद कि अच्छा मैंने तो तो यहाँ पे, के तो मैं पे कुछ सैंपल्स लिए हैं वो भी मैं यहाँ आप पे आपको दिखाने वाली हूँ लेकिन अगर आपको चाहिए इसका फुल कैमरा रिव्यू वो भी डिटेल में तो आप मुझे बताइए प्रो का डिटेल कैमरा रिव्यू देखना चाहते हैं चलिए अब अगर बात है वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी की तो उसका भी एक टेस्टिंग यहाँ पे करके देख लेते हैं वीडियो चल रहा है काफी अच्छा लग रहा है मुझे कलर कंट्रास्ट वगैरह अच्छे दिख रहे हैं फुल व्यू डिस्प्ले है और एफ एच प्लस की स्क्रीन है तो डेफिनेटली वीडियो तो यहाँ पे अच्छा दिखना ही है और अब अगर बात है ऑडियो टेस्टिंग की तो एक काम करते हैं एक छोटा सा साउंड आपको सुना के बता देते हैं कि किस तरीके का ऑडियो आपको इस फोन में देखने को मिलेगा है इन्फिनिक्स S5 प्रो परफॉर्मेंस की तो इसमें है Helio का P35 का चिपसेट अब आप लोग बोलेंगे यार परफॉर्मेंस टेस्टिंग तो यहां पे डेफिनेटली हो पाएगा पबजी गेमिंग के साथ तो बिल्कुल हम इसका एक PUBG गेमिंग टेस्ट भी यहाँ पे करने वाले हैं जिससे exactly इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो हमें हाँ पे पता चल जाएगा। तो नीचे, बॉक्स में। अब अगर लास्ट में बात आती है फोन की बैटरी की तो इस फोन में आपको फोर थाउजेंड की एक अच्छी खासी बैटरी यहाँ पे देखने को मिल रही है तो ओवरऑल यार इंफिनिक्साइव प्रो काफी अच्छा है अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक मिलेगी आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में और हाँ ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है इसके साथ डिटेल रिव्यू बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे तो वेट मत करिए कमेंट्स नीचे करते रहिए और अगर आप नए हैं तो नीचे दिख रहा होगा लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब करिए पास में जो घंटी का आइकन है उसे भी दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए और हाँ वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए हम मिलेंगे इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में टेल लाइन से बाय एंड थैंक्स फॉर